किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। 4 भाई बहनों में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। कहा जाता है कि किशोर कुमार बचपन से सुरीले नहीं थे। उनकी आवाज़ दबी हुई थी, जब भी वो गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। एक दिन जब माँ किचन में काम कर रही थी, तभी किशोर कुमार दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए, जिससे कि पास में ही रखे हसिए पर उनका पैर लग गया। पैर कट गया और तेजी से खून बहने लगा, जिसके बाद किशोर कुमार जोर जोर से रोने लगे। ऐसे ही जब तक चोट से किशोर कुमार को आराम नहीं मिला, तब तक वो रोजाना रोते रहे। घंटों रोने से उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना असर पड़ा कि वो सुरीले हो गए। किशोरदा भी इस हादसे को अपनी आवाज का श्रेय देते हैं। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार 40 के दशक में हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुके थे। अशोक मुंबई में रहते थे तो परिवार का आना जाना भी मुंबई होने लगा। बड़े भाई की मदद से किशोर भी बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर बन गए। गाने गाते हुए उन्होंने अपना नाम आभास से अशोक कुमार कर लिया। एक दिन उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उन्हें फिल्म जिद्दी के गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। गाना हिट हुआ और किशोर कुमार को लगातार हिंदी सिनेमा में गाने और अभिनय का मौका मिलने लगा। 1939 में वो भी बड़े भाई के साथ मुंबई रहने आ पहुंचे। किशोर कुमार हमेशा से ही KL सहगल, अमेरिकन सिंगर डैनी के और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े प्रशंसक थे। अपनी दीवानगी जगजाहिर करने के लिए उन्होंने घर में तीनों की तस्वीरें टांग रखी थी और रोज सुबह उनका नमन किया करते थे। जब रियाज की बारी आती थी तो KL सहगल के गाने दोहराते रहते थे। एक दिन फिल्म मशाल के लिए SD बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। देखा तो उनके छोटे भाई किशोरदा बैठकर रियाज कर रहे थे। SD बर्मन उनके पास गए और कहा, अगर बड़ा सिंगर बनना है तो अपना स्टाइल ढूंढो, ना कि किसी और की नकल करो। जब किशोर कुमार ने उन्हें योडलिंग सुनाई तो खुश होकर उन्होंने किशोरदा को देवानंद की आवाज़ बना दिया। लगातार हिट फिल्में देते हुए किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सिंगर में गिने जाने लगे। उन्होंने अपने करियर में 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। किशोर कुमार अपनी फीस को लेकर बड़े पाबंद थे। वो नो मनी नो वर्क की पॉलिसी फॉलो करते थे। वो तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे जब तक उनका असिस्टेंट आकर ये ना बता दे कि उनकी फीस पूरी मिल चुकी है। जब जब उन्हें आधी अधूरी फीस मिली, तब तब उन्होंने अलग अलग पैंतरों से प्रोड्यूसर के नाक में दम कर दिया। 1956 की बात है, जब अशोक कुमार ने छोटे भाई को फिल्म भाई भाई में काम दिलवा दिया। फिल्म के डायरेक्टर MV रमन ने उन्हें 5,000 रुपए कम दिए। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई और एक्शन कहा गया तो किशोर कुमार 2 कदम चले, चिल्लाया 5,000 रुपए और गुलाटी खाते हुए सेट से भाग गए। जब कुछ दिनों बाद किशोरदा को दोबारा सेट पर लाया गया तो वो कभी भागने की कोशिश करते, कभी डायलॉग भूलने का बहाना बनाते, तो कभी बीमारी का। लेकिन बड़े भाई उनसे भी 2 कदम आगे थे। जैसे ही सीन शूट होने लगा तो अशोक कुमार ने अपने दोनों पैर किशोरदा के पैरों पर रख दिया। भाई की शक्ति देख किशोर को शूटिंग करनी ही पड़ी। एक बार किशोर कुमार को एक फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें ये कहते हुए आधी फीस दी कि आधी फीस फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। किशोरदा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो वो आधा सिर और आधी मूछें मुड़वा कर पहुँच गए। डायरेक्टर अपने हीरो की ऐसी बिगड़ी हालत देख कर डर गया। उन्होंने इस हालात का कारण पूछा तो जवाब मिला, आधी फीस मिली है तो गेटअप भी आधा ही होगा, जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। किशोर कुमार ने जब प्रोड्यूसर RC तलवार के साथ काम किया तो उन्हें 8,000 रुपए कम मिले थे। प्रोड्यूसर ने वादा किया था कि वो जल्द ही ये रकम चुका देंगे, लेकिन ऐसा करने में देर हो गई। ऐसे में किशोरदा रोज उनके घर के बाहर जाते और चिल्लाते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोरदा रोज सुबह तब तक उनके घर के बाहर चिल्लाते रहे जब तक उन्हें पैसे नहीं दिए गए। किशोरदा भले ही अपनी फीस को लेकर पाबंद थे, हालांकि दरिया दिल्ली में उन्होंने कई बार मुफ्त में भी काम किया। एक फिल्म में अशोक कुमार देवानंद के साथ काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए देवानंद के साथ एक लड़का चाहिए था,
तो पास खड़े अशोक कुमार ने कह दिया कि किशोर कुमार ये रोल कर लेंगे। डायरेक्टर ने किशोर दा को समझाया कि जैसे ही देवानंद साहब कमरे में दाखिल होते हैं वैसे ही तुम उन्हें खरी खोटी सुनाते हो। किशोर कुमार ने सिर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि वो समझ गए, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज़ आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। देवानंद के कमरे में आते ही किशोर कुमार ने उन्हें असल में गंदी गंदी गालियां दी और सेट से भाग गए। डायरेक्टर उन्हें पीछे से चिल्लाता रहा कि अभी सीन पूरा नहीं हुआ, वापस आ जाओ, लेकिन किशोर कुमार थे वो नहीं लौटे। एक बार किशोर कुमार का कार में एक सीन शूट होना था। शॉट पूरा हुआ लेकिन किशोर कुमार गाड़ी से नहीं उतरे। कई घंटे बीते तो उनसे पूछा गया कि आप गाड़ी से क्यों नहीं उतर रहे। इस पर किशोर दा ने कहा, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे उतरने को नहीं कहा। वहीं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार को कार में बैठकर कुछ मीटर का फासला तय करना था और उतरना था। जैसे ही एक्शन बोला गया तो किशोर कुमार ने कार चलानी शुरू कर दी। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो किशोर दा कार चलाते चलाते खंडाला पहुंच गए। बी आर चोपड़ा और अशोक कुमार अच्छे दोस्त थे। एक बार किशोर कुमार को काम की जरूरत पड़ी तो वो भाई की दोस्ती के चलते बी आर चोपड़ा के पास पहुंच गए। उस समय चोपड़ा ने किशोर दा के सामने कुछ शर्तें रख दी। किशोर ने वो गाना ठुकरा दिया और कहा, आज मेरा वक्त बुरा है तो आप शर्त रख रहे हैं, देखना जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्त रखूंगा। समय बदला लेकिन किशोर दा ये बात नहीं भूले। कुछ समय बाद बी आर चोपड़ा एक गाने का ऑफर लेकर किशोर दा के घर पहुंचे। ये उनके लिए बदले का समय था। उन्होंने कह दिया, मुझसे गाना गवाना है तो जाइए, पहले धोती, पैरों में जूते मोजे पहनकर आइए, पान भी खाना, आपका मुंह लाल लाल दिखना चाहिए और मुंह से लार टपक रही होनी चाहिए। ये शर्त सुनकर बी आर चोपड़ा ने किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार से कहा कि आप ही अपने भाई को समझाइए, लेकिन वो किशोर दा के मिजाज से वाकिफ थे। उन्होंने मामले में टांग नहीं अड़ाई और आखिरकार बी आर चोपड़ा को किशोर कुमार की शर्त माननी ही पड़ी।